विज्ञान के दौर में हम इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम लाखों किलोमीटर दूर चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार चंद्रमा और मंगल पर इंसानों को बसाने के लिए हर तरीके की शोध कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको मंगल ग्रह पर मिले कुछ ऐसे रहस्यमय चीजों और ऐसी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान रह गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं मंगल ग्रह का ये अनोखा सफर। US आर्मी ऑन मार्स फॉर 17 ईयर्स। अमेरिका की आर्मी में काम करने वाले एक पूर्व अधिकारी ने एक गजब का बयान दिया जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। उस आर्मी अधिकारी ने कहा कि उसने अपनी जिंदगी के 17 साल का करियर मंगल ग्रह पर बिता कराया है, यानी कि जिस मंगल ग्रह पर अभी इंसान जाने की सोच रहा है और अभी तक वहां पर कोई पहुंच नहीं पाया है, उसी मंगल ग्रह पर अमेरिका का एक आर्मी ऑफिसर 17 साल तक ड्यूटी करके आया है। इतना ही नहीं, अब आगे सुनिए। उस ऑफिसर का कहना था कि उसे मंगल ग्रह पर पोस्टिंग के लिए भेजा गया था, जहां पर उसे 5 इंसानी कॉलोनियों की रक्षा करनी थी, जिसके बाद उसे लगभग 3 साल तक एक सीक्रेट अंतरिक्ष यान में बिताना पड़ा। ये सभी काम गुप्त तरीके से एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैंडल किया जा रहा था जिसका नाम है अर्थ डिफेंस फोर्स, यानी कि सैनिकों का एक ऐसा समूह जो किसी देश नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की रक्षा के लिए काम करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन गुप्त तरीके से अमेरिका, रूस और चीन में काम करने वाले आर्मी को अपने ग्रुप में काम करने के लिए हायर करता है। जब अमेरिका के उस आर्मी ऑफिसर ने इस तरीके का बयान दिया तो दुनिया भर में हलचल मच गई थी और कई न्यूज चैनल ने उसके इस बयान को अपनी न्यूज में भी चला दिया। कैप्टन ने यह भी कहा कि उसे 3 अलग अलग तरह के डिफेंस फाइटर जेट को चलाना सिखाया गया था और साथ ही उन्हें बड़े ही खतरनाक तरीके के फाइटर मशीन को भी चलाना सिखाया गया था और ये सब कुछ उन्हें चांद के एक सीक्रेट जगह पर सिखाया गया था। 20 साल की ड्यूटी के बाद उनको रिटायर कर दिया गया, जिसके बाद चंद्रमा के ऊपर उनकी रिटायर सेरेमनी भी मनाई गई थी, जहां दुनिया भर के कई VIP लोग आए थे। यहां तक कि अमेरिका के पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड रम्सफेल्ड भी चंद्रमा पर उसके रिटायर सेरेमनी में आए थे। उस आर्मी ऑफिसर का ये अजीबोगरीब बयान सच है या फिर झूठ, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। डायनासोर बोन्स फाउंड ऑन मार्स। नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर के द्वारा एक गजब की तस्वीर सामने आई, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने में जुट गए कि तस्वीरों में दिख रही चीज आखिर है क्या, जिसके बाद नासा ने सैटेलाइट के द्वारा उसी जगह की तस्वीर को दोबारा क्लिक किया तो पता चला कि वो डायनासोर जैसी आकृति वाली कोई हड्डी है। जब उसका क्लोजर व्यू लिया गया तो उसमें साफ दिख रहा था कि उसका सिर किसी डायनासोर जैसा था, जिसमें आंखों की जगह भी बनी हुई थी और मजबूत जबड़े भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये आज भी एक रहस्य है कि आखिरकार डायनासोर की हड्डी मंगल ग्रह पर कैसे आई। कहीं वो पत्थरों और बालू के द्वारा गलती से बनी हुई कोई आकृति तो नहीं। स्टोनहेंज ऑन मार्स। हाल ही में वैज्ञानिकों को मंगल की धरती पर पत्थरों की बनी हुई एक अजीबोगरीब आकृति की तस्वीर मिली। वैज्ञानिकों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मंगल की धरती पर पत्थरों को उस अजीबोगरीब तरीके से व्यवस्थित किसने किया, और उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि बिल्कुल वैसी ही पत्थरों की बनावट पृथ्वी पर भी देखने को मिली है, जो कि हजारों साल पुरानी है। वैज्ञानिकों को अभी तक यही समझ में नहीं आया था कि पृथ्वी पर पत्थरों को अजीबोगरीब तरीके से किसने और क्यों सजाया था। अनुमान लगाते थे कि शायद किसी एलियन ने आकर पृथ्वी पर ऐसा किया हो, और अब बिल्कुल वैसी ही बनावट मंगल की धरती पर भी देखने को मिली है, जिसे देखकर वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि एलियन शायद मंगल की धरती पर लगातार आते रहते हैं। लेविटेटिंग स्फीयर। नासा के वैज्ञानिकों को मंगल पर एक और गजब की चीज तब मिली जब उसके एक रोवर ने इस तस्वीर को भेजा, जिसमें देखा जा सकता है कि मंगल की धरती पर एक पत्थर हवा में तैर रहा है। हवा में तैरने वाले उस ऑब्जेक्ट की जमीन पर एक परछाई भी पड़ रही थी। ये अब तक नासा को अपनी रोवर के द्वारा मिली सबसे अजीबोगरीब और सबसे अलग तस्वीरों में से एक था। लेकिन मंगल की धरती पर वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आया कैसे और वो था क्या, इस बारे में वैज्ञानिक को कुछ भी नहीं पता। वैज्ञानिक लगातार उस रहस्यमय फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर शोध कर रहे हैं। पिरामिड ऑन मार्स। मंगल ग्रह पर एक और रहस्यमय चीज देखने को मिली जब वहां के रोवर से ये तस्वीर आई, जिसमें एक पिरामिड जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। उस पिरामिड का आकार हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी कार के बराबर था, लेकिन उसकी बनावट बिल्कुल इजिप्ट में पाए जाने वाले पिरामिड की तरह थी।
जिसे देखने के बाद वैज्ञानिकों को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि हमारी पृथ्वी पर जो हमारी पुरानी सभ्यता वाले लोग रहते थे, शायद उनकी पहुंच इतनी अधिक थी कि वो मंगल ग्रह तक भी पहुंच चुके थे। वहीं एलियंस की थ्योरी पर यकीन करने वाले साइंटिस्ट का मानना है कि एलियंस मंगल ग्रह पर भी आते रहते हैं और उन्हीं एलियंस ने पृथ्वी पर भी पुराने समय में ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण किया था। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंगल ग्रह के बारे में अभी बहुत कुछ जानने को बाकी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार उस लाल ग्रह के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा संभव है कि आने वाले कुछ सालों में इंसान चांद की तरह मंगल ग्रह पर भी अपना कदम रख पाएगा। खैर, इन रहस्यों के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।